الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده। तरावी की नमाज ना मर्दों के लिए वाजिब है और ना औरतों के लिए वाजिब है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के अंदर 3 दिन तरावी की जमात करवाई और फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने छोड़ दी। वो सिर्फ इस वजह से छोड़ी थी ताकि उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। तो इसलिए तरावी की नमाज वाजिब तो नहीं है, लेकिन खुलफाए राशिदीन के अमल से और सहाबा इकराम के इस पर अहतमाम करने से मालूम होता है कि यह तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। और सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने की आदत बना लेना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, किसी उज़र की वजह से, कभी कोई सफ़र हो या थकावट हो या किसी और मजबूरी से बंदा कभी छोड़ दे तो अलग बात है, लेकिन इसको छोड़ने की मुस्तकिल आदत बना लेना ये ठीक नहीं है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह और सुन्नत मुअक्कदा है, मसलन फजर की नमाज से पहले 2 रकअत सुन्नत मुअक्कदा है, ज़ोहर से पहले 4 रकअतें सुन्नत मुअक्कदा है, तो ये सुन्नत मुअक्कदा इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए मर्दों और ख्वातीन सब को इसका अहतमाम करना चाहिए। छोड़ने की इसको आदत बना लेना और मुस्तकिल इसको छोड़ देना ये दुरुस्त नहीं है। मर्दों को मस्जिद में इसका जाकर अहतमाम करना चाहिए और मस्तूरात को, ख्वातीन को जो है अपने घर में इसका अहतमाम करना चाहिए।